भारतीय रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है जिसमें हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं भारत के 5 सबसे बड़े और व्यस्त स्टेशनों के बारे में। हावड़ा जंक्शन, स्टेशन कोड HWH है, जिसे हावड़ा स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे परिसर है और ये रेलवे स्टेशन कोलकाता में है और हावड़ा भारत में कार्य करता है। लगभग 673 यात्री ट्रेनें प्रत्येक दिन स्टेशन से होकर गुजरती हैं और इसके लिए 23 प्लेटफॉर्मों और एक उच्च ट्रेन संचालन क्षमता की आवश्यकता होती है। हावड़ा जंक्शन कोलकाता के शहर की सेवा करने वाले 5 इंटरसिटी रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो सियालदा, संतरागाछी, शालीमार और कोलकाता रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन हुगली नदी के पश्चिमी तट पर हावड़ा में स्थित हैं। भारत के सभी स्टेशनों से सीधा हावड़ा रेलवे स्टेशन जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पर सियालदा रेलवे स्टेशन है। सियालदा रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण उपनगरीय रेल टर्मिनल है जो 20 प्लेटफॉर्मों के साथ कोलकाता शहर की सेवा करता है। सियालदा के उत्तरी टर्मिनलों में 20 प्लेटफॉर्म है और दक्षिण खंड में 7 प्लेटफॉर्म है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। इस स्टेशन पर 18 प्लेटफॉर्म स्थित हैं। स्टेशन को फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा विक्टोरियन इटालियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर की अवधारणा के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसका मतलब शास्त्रीय युग वास्तुकला का एक समान पुनरुद्धार होना है। ये स्टेशन 1887 में मुंबई के बोरी बंदर इलाके में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया था। नया रेलवे स्टेशन पुराने बोरी बंदर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में बनाया गया था। ये भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जो लंबी दूरी की ट्रेनों और कंप्यूटर ट्रेनों के लिए एक टर्मिनल के रूप में कार्य करता है। मार्च 1996 में सम्राट छत्रपति शिवाजी के नाम से स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में बदल दिया गया था। 2017 में स्टेशन को फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम दिया गया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड NDLS है, जो अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच स्थित है। दिल्ली का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह यात्रियों की आवाजाही के लिहाज से ट्रेनों की आवृत्ति और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। लगभग 400 ट्रेनें प्रतिदिन स्टेशन से शुरू होती है तथा समाप्त होती है और यहां से गुजरती हैं। 16 प्लेटफॉर्मों के साथ दैनिक 5 लाख यात्रियों को संभालती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कानपुर रेलवे स्टेशन के साथ दुनिया में सबसे बड़े मार्ग इंटरलॉकिंग सिस्टम का रिकॉर्ड रखता है। मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस के उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन है। भारत भर में 1867 स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधे जुड़े हैं। भारत के चेन्नई शहर में स्थित है चेन्नई टर्मिनल। तमिलनाडु में यह मुख्य रेलवे टर्मिनस है। ये दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और स्टेशन पर 15 प्लेटफॉर्म है। भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों में सबसे लंबे समय तक नाम रखने के गौरव के साथ देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। आर्किटेक्ट जॉर्ज हॉर्डिंग द्वारा डिजाइन किया गया रेलवे स्टेशन की शताब्दी पुरानी इमारत चेन्नई के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। लगभग 5,50,000 यात्री प्रतिदिन टर्मिनस का उपयोग करते हैं, जिससे ये दक्षिण भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन बन जाता है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं।